ये एक साल में इतना टेस्ट बदला है जो शायद बदलने में 5-6 साल लगता। मैं एक कटोरी खुशी चाहता हूँ कि कुछ नहीं हमारे ऑडियंस के, हाँ एक कटोरी खुशी, अलग अलग किस्म के झाड़ू मंगाए जिसमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, ये ऐसे घुसा है अंदर करके पूरा सामान जो है ना कचरा बाहर एक साथ निकाल दे। माई का बोझ हर किसी के माथे पे है तो उस TMI के टाइम में लगता है थोड़ा सा हंस। जब हम बात करते हैं लूडो की तो बचपन याद आ जाता है। कभी भी वक्त मिले चलो लूडो खेलते हैं, शाम का वक्त हो लूडो खेलते हैं, रात में बोर हो रहे हो तो लूडो खेलते हैं, उससे उम्र का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता बच्चों के साथ भी और बड़ों के साथ भी। मगर यहाँ पर लूडो का एक अलग ही जो एक्सप्लेनेशन है, अलग ही मायने हैं, वो लेकर आ रहे हैं निर्देशक अनुराग बासु। और मेरे इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पहली बार पंकज जी और नागा साथ में। बिल्कुल बिल्कुल पहली बार बड़े पर्दे पर तो सत्तू भैया को आपने खूब निचोड़ा है पूरी फिल्म में, है ना? वो लूडो का वो है डाइस है, पासा है, पासा है तो सबसे ज्यादा उन्हीं का काम था। और मुझे तो ये भी सुनने में आया है कि एक्टिंग का भार भी आपने खुद भी संभाला हुआ है इस फिल्म में, पंकज जी ने ना? हाँ हाँ नहीं ये मजबूरी में करना पड़ा, लॉकडाउन में शूटिंग में कोई एक्टर राजी नहीं हो रहा था बाहर आने के लिए। कौन सा अकाउंट हुआ था दादा जहाँ पर आपको आना पड़ा पहले ये? ये तो ना बोलूंगा मैं कहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हुआ है? नहीं ये फिल इन द ब्लैंक्स ही रहने दो, राज को राजी रहने दो। पंकज जी जब दादा कह रहे हैं कि पासा जो है वो आप हैं, तो ये पासा ने क्या कुछ किया है इस फिल्म में ये बताइए मुझे। जैसे पासा को हम लोग वो एक छोटी सी डिबिया में डाल के ऐसे घुमा के फेंक देते हैं ना, तो वो छोटी सी डिबिया में डाल के मुझे फेंकते रहे हैं इस कहानी में उस कहानी में, उधर जा इधर जा, तो वहीं कहीं कभी 6 कभी 4 कभी 3 कभी 2 जो नंबर्स, तो बहुत मजा आया। हर कहानी में थोड़ा थोड़ा घुसा हुआ है ये बंदा, ये किरदार। आपकी तो ये खासियत रही है कि आप कहानी को पिरोते हैं कुछ यूं कि मतलब 3-4 कहानी इतने सारे किरदार को कहीं ना कहीं दे क्रॉस के बाद कहीं ना कहीं मिलते हैं, तो ये जो मेट्रो में भी हमने ऐसे देखा था, तो क्या ये मेट्रो का एक्सटेंशन कह सकते हैं या क्या है इस फिल्म में? एकदम नहीं है, जो भी कह रहे हैं आके, इनफैक्ट आपसे पहले एक जर्नलिस्ट ने कहा कि हमें लगा था कि मेट्रो का एक्सटेंशन है लेकिन एकदम नहीं है। सो जो भी मुझे लगता है कि फिल्म देख रहे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि मेट्रो, नीतीश फिल्म का नाम मेट्रो ही देता ना, लूडो क्यों देता, वो एकदम मेट्रो से अलग है और अलग इसमें अलग रंग ही अलग है पूरा। सिर्फ एक ही आप सिमिलैरिटी कह सकते कि अलग अलग कहानियां हैं, उसके अलावा कोई सिमिलैरिटी है नहीं। और इस बार मुश्किल टोमेटो से ज्यादा कि चारों कहानियों का रंग अलग है, जॉनर अलग है, कैरेक्टर्स के बिहेवियर अलग है, एक्टिंग का सुर अलग है, तो बहुत अलग है एक दूसरे से। ये जो नई शुरुआत है नया नॉर्मल आपके लिए क्या होगा? बहुत रुक-रुक कैच होता, लेकिन मैं सार समझता हूँ आपके सवाल का। मुझे क्या लगता है, आप ये जो हाईवे में नाकाबंदी होती है ना, सारी गाड़ियां जाम हो जाती है, नाकाबंदी कर देते हैं पुलिस, ये वो नाकाबंदी है, जस्ट थोड़ी देर तक तकलीफ से निकल जाएंगे, नाकाबंदी से गुजर जाएंगे, आगे फ्री हाईवे। तो ये बस ये नाकाबंदी वाली तकलीफ है थोड़ी सी, आई थिंक, और ये हम सब गुजर रहे हैं। डेली वर्कर्स जो हैं शूटिंग में जो रोज काम करते हैं, क्योंकि 75% जो है किसी भी यूनिट में जो 75 से 80% जो है ना डेली वर्कर्स वाले होते हैं जिनको रोज का रोज पैसा मिलता है, उनके लिए बहुत तकलीफ हो गई है। लेकिन आई एम ग्लैड शूटिंगें शुरू हुई हैं, लोग शूटिंग कर रहे हैं, तकलीफ में कर रहे हैं। मैं भी कुछ दिनों पहले हमारे लाइटमैन वगैरह से पूछा था यार तुम्हारा काम वाम चल रहा, तो हाँ दादा शूटिंग कर रहे हैं रोज हम लोग। सो थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, फुल नॉर्मल तो नहीं है लेकिन हो रहा है धीरे धीरे, और मुझे लगता है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं इस लॉकडाउन के दौरान। कई लोगों ने शायद बहुत अच्छे अच्छे स्क्रिप्टें लिखी होंगी अपने अपने घर में, जो कि बाहर आएंगी अभी 1-2 साल में। लोगों का देखने का टेस्ट बदल गया है, लोग हर किस्म का फिल्म और सिनेमा देखें,
ये एक साल में इतना टेस्ट बदला है जो शायद बदलने में 5-6 साल लगता है। अच्छी चीजें भी हैं। तो मैंने दो तीन चीजें मैंने ऐसे अलग अलग किस्म के झाड़ू मंगाए जिसमें ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, या ऐसे घुसा है अंदर करके पूरा सामान जो है ना कचरा बाहर एक साथ निकाल दे, और फ्लैट झाड़ू करके पूरा कचरा बाहर। तो ये सब दो तीन चीजें टेक्निक मैंने सीख गई कि कैसे आप मतलब कितना सुला के झाड़ू कितना घुसा के अंदर मतलब एकदम खाट के नीचे से कचरा निकाला है। ये सारी चीजें बारीकियां बहुत क्या है जिंदगी जो पहले हमने नोटिस नहीं किया था, गौर नहीं किया था, वो सब अभी कर लिया है, सीखा है सब। पंकज जी अब बर्तन में जब जला हुए बर्तन में किस तरह आसानी से वो जला जो खाना जल जाए, दूध अगर जल जाए तो दूध जले वाले को बर्तन को कैसे धोए और आलू जले वाले बर्तन को कैसे धोए, दोनों अलग है, मुझे पता नहीं था। आपने अपने खाने का खाना बनाने का जो शौक है उसे भी बहुत पूरा किया होगा आई एम श्योर। अरे अभी नेक्स्ट लेवल पे चला गया जोईता, तू आके देख। पंकज कुछ किया घर का कुछ ऐसा कुछ आपने कुछ डिस्कवर किया हो? मैंने घर के आसपास डिस्कवर किया है क्योंकि मठ में ना मेरे घर के सामने बहुत सारे जंगल हैं, ग्रीनरी हैं, गलियां हैं, तो सुबह सुबह उठ के और सामने एक बीच है छोटा सा, तो मैं एक गली में घुस जाता था और वहाँ के फूल पत्ते कैसे हैं, वहाँ की चिड़िया कैसी हैं। मुझे पता चला हमारे इलाके में बहुत सारे तोता हैं, पैरट हैं, तो वो आते हैं तो उनके लिए खाना मंगाया, उनके लिए वो खाने का एक वो बर्तन। सो यही है, तो मैं आसपास के नेचर से बड़ा कनेक्ट हुआ हूँ इन छुट्टियों में, चूँकि लकली मड में थोड़ी पीस और थोड़ी ग्रीनरी बची है अभी भी, और वो जो हमारे घर के आसपास, तो बस घूमा, खाना भी बनाया थोड़ा बेटी के लिए, उसको वो मैश पोटैटो बनता है ना यूरोपियन खाने में जो किसी भी सौते वेजिटेबल, तो मैश पोटैटो सीखा मैं, आलू भाते बनाया और उसको हाँ नहीं नहीं आलू भाते नहीं, मैश पोटैटो मतलब मैश पोटैटो आलू भाते नहीं, वो तो दाल से बनाना सीखा, बनाया भी जो हमारे यहाँ का चोखा है बिहार का, उस चोखा में से आप अदरक लहसुन पे हरी मिर्च निकाल दो, क्रीम डाल दो, बस मैश पोटैटो हो गया। तो नए नाम है और झींगा पोस्तो बनाना सीखा, झींगा पोस्तो बनाया, पोस्तो की बहुत सारी सब्जियां बनाने सीखी, झींगा पोस्तो, आलू पोस्तो। लूडो जब नाम सुना तो क्या आया जहन में? नहीं कुछ नहीं आया, लूडो तो मेरा प्रिय गेम रहा है, बचपन में बहुत खेले हैं। सो और मुझे कहानी पता था, मुझे मालूम था ये चार कहानियां हैं और कैसी जो जो विषाद पिछी है, तो जो हमारी कहानी के अकॉर्डिंग सबसे करेक्ट नाम यही था लूडो, जो फिल्म की कहानी है कि वो चार रंग हैं, बहुत सारी गोटियां हैं, बहुत सारे खेल हैं, सो मुझे एकदम एप्ट नाम रखा लगा स्क्रिप्ट के हिसाब से कि ये करेक्ट है लूडो। आपका पसंदीदा रंग कौन सा होता था जब आप लूडो खेलने बैठते थे? हम चुनते थे ना रंग, हम ये वाला हाँ, हम रंग चुनते थे, मैं हरा चाहता था, हरा मिल जाए, उसमें भी तो एक गेम होता है ना रंग चुनने में, अपने आप से नहीं मिलता है, तो हम लोग उसमें भी एक होता था कि जिसका 6 आएगा पहले वो चुनेगा कलर अपना। ये नहीं, मैं तो श्योर हूँ कि पंकज जी अगर गैंगस्टर का भी किरदार निभाते हैं तो वो चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के ही आते हैं, वो उनका पता नहीं, वो मतलब वो कुछ डायलॉग बोलते हैं तो ऐसा लगता ही है कि चेयरअप हो जाते हैं। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बोल रही हैं आप। तो क्या है ना जीवन में हम सब पैसे और खुशियों के पीछे भागते हैं, तो मैं अपने किरदारों के थ्रू अपने एक्टिंग के थ्रू चाहता हूँ कि पैसे तो सबको नहीं दे सकता बट खुशियाँ तो जरूर दे सकते हैं कलाकार के नाते, सो मैं वो खुशियाँ बांटता हूँ, मैं एक कटोरी खुशी चाहता हूँ कि कुछ नहीं हमारे ऑडियंस के, हाँ एक कटोरी खुशी कि ऑडियंस के चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ जाएगी ना तो फिर वो इंगेज हो जाएगा मेरे संग, फिर वो जो मैं बात कह रहा हूँ या जो डायरेक्टर राइटर कहना चाहते हैं वो सुनेंगे। सो पहले मैं मुस्कुराहट लाता हूँ और मुस्कुराहट दरअसल पूंजी होती है कि ऑडियंस को आप इंगेज कर लो और फिर कहानी सुनाओ, अपनी बात करो, यही प्रयास होता है और यही तो क्राफ्ट है। क्या चाहिए यार गुरु, दुनिया में इतना तनाव है, EMI का बोझ हर किसी के माथे पे है, तो उस EMI के टाइम में मतलब भाई थोड़ा सा हंस लो, मुस्कुरा लो। हाँ मतलब महानगरों में तो हम सब लोग ऑलमोस्ट सही बात,
ईएमआई ईएमआई तो तो कुछ ना कुछ ले ही रखे हैं ना। इतने बरसों से मैं जानती हूँ अनुराग दा को, उनकी फिल्म मेकिंग को मैं उनकी पहली फिल्म से देखती आई हूँ, तो आई एम श्योर जो उनके फिल्मों के जो दीवाने हैं, उनकी फिल्म्स को जो पसंद करते हैं, फॉलो करते हैं, उनके लिए एक ट्रीट होगा और हर किसी के लिए लूडो का ये गेम एक नया होगा। बिल्कुल, आपके मुंह में घी शक्कर। शुक्रिया आपका।